तू खड़ा होता है तो सभा शुरू हो जाती है, चलता है तो जुलूस निकलते हैं, लेटता है तो हड़तालें शुरू हो जाती है। आज के बाद मेरे ऑफिस में अगर तेरे जैसा कोई भी नेता दिखा तो मैं पैर काट दूंगा। नमस्कार, हमारा नाम वीर बहादुर सिंह है। यहाँ के लिए यह नाम नया है, लेकिन यूपी में हमारे नाम का डंका बजता है। वहां हमें रैली निकालने के लिए या सभा करने के लिए पुलिस से परमिशन नहीं लेना पड़ता है। हमारे चेले ने शहर की दीवारों पर पोस्टर चिपका दिया तो सारे आईजी, डीआईजी, कमिश्नर हमारे घर भागते भागते आते हैं, नेताजी करते हुए। ये जलवा है हमारा। पिछले साल हमारे एक जेले से एक पुलिस वाले ने तू तड़क से बात कर दी। हमने खड़े खड़े 15 बस फुकवा दिए, ऊपर से दंगा करवाया सो अलग। पेपर में पढ़ा होगा आपने। और सुनो, अभी की बात है, मेरे छोटे भाई ने एक लड़की को जरा सा यू ही छेड़ दिया। माधुरी दीक्षित बनकर घूम रही थी, जवान खून गरमा गया, पकड़ लिया तो उस लड़की ने मेरे छोटे भाई के मुंह पर तमाचा मारा। जानते हो बाद में मैंने क्या किया? पहले तो उसे भरे बाजार में नंगा घुमा दिया, बाद में चला दिया। किसी ने चूं तक नहीं किया, ये रुआब है हमारा। शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि हम किसी जगह 2 मिनट के लिए खड़े हो जाते हैं, सभा शुरू हो जाती है। अगर चल दिए तो जुलूस निकल जाता है, और अगर सो दिए तो हड़तालें हो जाती है। अब आप सोचेंगे, जब हमारा राजनीति वहां इतना अच्छा चल रहा है, फिर हम यहाँ क्यों आए? आप शक्ल से शरीफ और सीधे साधे लगते हो, इसलिए आप ही को बताते हैं। हम अपनी पार्टी को क्षेत्रीय से राष्ट्रीय बनाना चाहते हैं। दिल्ली का राजनीति है, जब तक हमारे पास 2-4 MP न हो तो सूटकेस कहाँ से मिलेगा, और जब तक वो सूटकेस माल से भरा हुआ न हो तो पॉलिटिक्स करने से फायदा ही क्या है? इसलिए हम अपना और अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं। अब हम यहाँ हड़ताल करेंगे, मोर्चा निकालेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, तभी तो यहाँ की जनता हमें नोटिस करेगी, समझे? एक बात हम क्लियर कर दे, हमारी मीटिंग में पब्लिक से ज्यादा हमारे चेले चपाटे रहते हैं, और हमारा उनको निर्देश रहता है कि जरा भी पब्लिक इधर उधर हो तुरंत हंगामा शुरू कर दे। इसलिए जितना ज्यादा हो सके उतना सिपाही भेज दीजिएगा, हमारी प्रोटेक्शन के लिए नहीं, आपकी पब्लिक की प्रोटेक्शन के लिए। और हाँ, सब फुल पैंट वाला सिपाही भेजिएगा, महिला पुलिस को मत भेज दीजिएगा, कहीं उनका चिकना गालवाल देखकर समझ गए ना। मुझे परमिशन नहीं चाहिए। अपने देश को आजाद हुए कितने साल हुए? नहीं मालूम। अपने देश में भाषाएं कितनी बोली जाती हैं? नहीं मालूम। हमारे देश की आबादी क्या है? नहीं मालूम। देश का राष्ट्रगीत क्या है? नहीं मालूम।
जब तुझे इस देश का इतिहास नहीं मालूम, भूगोल नहीं मालूम, कल्चर नहीं मालूम, अपने आप को नेता कहता है? तू खड़ा होता है तो सभा शुरू हो जाती है, चलता है तो जुलूस निकलते हैं, लेटता है तो हड़तालें शुरू हो जाती हैं। गलती तेरी नहीं है। जिस दिन पहली बार तूने जाति या धर्म का नाम लेकर नारा लगाने के लिए यह हाथ उठाया था ना, उसी दिन कोई पुलिस ऑफिसर तेरा यह हाथ काट देता ना, तो इस तरह तू पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में घुसने की हिम्मत नहीं करता। क्या कहा था तूने? महिला पुलिस को मत भेजना, उनका चिकना। साइन कर। ये तो कोरा कागज है। हाँ, इसमें हम लिखेंगे कि मैं वीर बहादुर सिंह चोर हूँ, खूनी हूँ, बसें जलाई हैं मैंने, दंगे फसाद किए हैं मैंने, एक लड़की को मैंने जिंदा जला दिया, मैं ये सारे जुर्म कबूल करता हूँ। साइन कर। माफ कर दो ना। अब आज के बाद मेरे ऑफिस में अगर तेरे जैसा कोई भी नेता दिखा तो मैं पैर काट दूंगा। मुस्ताक सिंह। यस सर। मैं मेहमानों को इज्जत के साथ विदा करता हूँ। मेरे कंधे पर हाथ रखिए, हाथ रखिए, हंसिए, हंसिए। चलिए, आप इतने महान नेता हैं, मैं मामूली से पुलिस कमिश्नर, इन हाथों से जितनी सेवा कर सकता था कि अगर सेवा में कोई कमी रह गई हो तो दोबारा जरूर पधारिएगा। हंसी है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष सिंह, बिहार के गया जिला से। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें। तो देखिए गाइस, ये मेरा नया सर के क्या हल कर दिया, भिखारी बना दिया है। तो आप, हम लोग इतना मेहनत करते हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट? हम लोग के मेहनत के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करें। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।